नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष 2020 कैसा बीतेगा मीन लगन वाले जातकों के लिए, इस पर ये प्रेडिक्शन देने के लिए आया हूं अपने इस कुंडली एक्सपर्ट चैनल पर, जिसका एक साल अभी जस्ट 4 नवंबर को पूरा हुआ है। इसके लिए आप सभी का आभारी रहूँगा और आगे भी ये चैनल अच्छा बढ़े, इसके सहयोग की आपसे कामना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन लगन का, कैसा बीतने वाला है ये वर्ष 2020। देखिए, इसको समझने से पहले मीन लगन होता क्या उसको समझिए। मीन का मतलब होता है मछली, एक जल तत्व लगन होता है। और आपको अपनी कुंडली अगर ओपन कीजिए, लगन कुंडली अगर आप लगन कुंडली ओपन कीजिए और वहां पे चेक कीजिए कि ये 12 नंबर लिखा है तो आपको ये प्रेडिक्शन चेक करना है। अगर 12 नंबर नहीं लिखा है तो आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। तो 12 नंबर का मतलब हो गया मीन। तो मीन का क्या पूरा भविष्यफल 2020 में किस किस मंथ में कैसा होगा, इसको गोचरीय व्यवस्था को पूरा सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बोर्ड पे चार्ट बनाया हूँ और बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए चार्ट बनाया हूँ, केवल आप लोगों के लिए। देखिए, इसमें 1 जनवरी 2020 यानी 1 जनवरी 2020 की बात करते हैं। तो 1 जनवरी 2020 में क्या होगा, यहाँ पर धनु में सूर्य, बुध, शनि, गुरु और केतु, ये 5 ग्रहों की युति रहेगी धनु में। साथ में शुक्र एकादश भाव में रहेंगे और मंगल आपके लगन से नवम भाव में रहने वाले हैं। ये 1 जनवरी 2020 में जो आपका लगन पड़ रहा है उस समय जो गोचरीय व्यवस्था होगी उसका यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। अब मैंने किया क्या है इस वीडियो को समझने के लिए कि सूर्य जैसे जैसे मूव करेगा, जैसे सूर्य को आप देखिएगा तो 15 जनवरी को मूवमेंट मकर में करेंगे, फिर 15 के बाद 13 जनवरी को कुंभ में, फिर 14 मार्च को आपके खुद के लगन में यानी मीन में। इस तरीके से रेड पोर्शन से मैंने यहाँ पर मूवमेंट दिखाया हुआ है। इसी के साथ साथ रेड के साथ मैंने ग्रीन बटन का भी यूज किया हुआ है, ग्रीन कलर का यूज किया हुआ है। जैसे ये बुध है तो ये ग्रीन कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे जैसे बुध का ट्रांजिशन होगा, किस किस डेट में होगा वो यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। शुक्र के लिए मैंने ब्लू कलर यूज किया। देखिए, शुक्र यहाँ पर है तो 9 जनवरी, 3 फरवरी, 29 फरवरी और ये पूरा ब्लू कलर जो है ये शुक्र के लिए है। इसके अलावा मंगल के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज किया है। मंगल का जो मूवमेंट होगा और मंगल यहाँ पर वक्री हो जाएंगे तो ऐसे पीछे करके दिखाया गया है। शनि जो आपके लगन में, लगन से देखा जाए तो एकादश स्थान पे रहेंगे और पूरे साल 24 जनवरी को इनका राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद लगातार आपके एकादश भाव में उपस्थित रहेंगे। गुरु पूरे साल, लगभग पूरे साल ये धनु में ही रहने वाले हैं। गुरु वक्री होंगे 14 मई से लेके 13 सितंबर 2020 तक ये वक्री रहेंगे और हमेशा की तरह 140, 145, 150 दिन लगभग ये ड्यूरेशन होता है शनि के वक्री होने का। तो शनि वक्री रहेंगे 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक मकर में वक्री रहेंगे। इस साल 4 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण जो होगा आपको भारत में दिखाई देगा और 2 चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा सदी में 2 सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाले हैं जिसमें से 1 सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा और दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देने वाला। इस साल इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब ये सूर्य ग्रहण होगा 21 जून 2020, उस समय राहु केतु तो वक्री रहते हैं, इसके अलावा 5 ग्रह और वक्री रहेंगे। तो 21 जून 2020 को 7 ग्रह वक्री हो रहे हैं तो ये जबरदस्त इम्पैक्ट करने वाला है। तो उसको भी मैं अलग लाइव सेशन वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या उसका प्रभाव आने वाला है। अभी हम समझते हैं आगे।
तो चंद्र ग्रहण जो पहला चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो 10 जनवरी 2020 में पड़ेगा जो कि भारत में दिखाई देगा, दूसरा 5 जून 2020 जो कि भारत में नहीं दिखाई देगा, तीसरा 5 जुलाई 2020 जो कि भारत में दिखाई देगा, और लास्ट जो है 30 नवंबर 2020 को पड़ेगा जो भारत में नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहला सूर्य ग्रहण पूरा खंड ग्रास सूर्य ग्रहण जो रहेगा 21 जून 2020 को भारत में भी दिखाई देगा, और लास्ट सूर्य ग्रहण जो रहेगा 2020 का वो 14 दिसंबर 2020 को होने वाला है। तो अब हम समझते हैं मीन लगन का कैसे कैसे ये साल बीतने वाला है। देखिए मीन लगन में आपका जो लग्नेश है वो बृहस्पति है जो कि आपके कर्म स्थान पे रहने वाले हैं। तो एक चीज तो कन्फर्म है इस साल, अगर आपका लगन मीन है तो एक चीज 100% मैं कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ, इस साल जॉब रिलेटेड इश्यू नहीं डेवलप होने वाला। देखिए आपकी कुंडली क्या कहती है, उसकी विषंतरी दशा क्या है, उसकी योगनी दशाएं क्या चल रही है, वो अलग हो सकता है, लेकिन ट्रांजिशन में 50% तो ये फल देने वाला है, और ये जो 50% फल देगा ये सभी के लिए पॉजिटिव फल देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति, अकेले देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश होकर केंद्र में दशम स्थान पे बैठना, एक तो जिनको जॉब नहीं मिली है उनको जॉब मिल जाएगी, और गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम बनेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति का होना काफी शुभ है अपने घर में दशम स्थान पे, और साथ में देखा जाए तो इसकी दृष्टि सुख स्थान पे पड़ रही है, तो भूमि वाहन मकान पद प्रतिष्ठा मान सब कुछ यहाँ पर बढ़ने वाला है। अगर आप इस साल भूमि वाहन मकान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा, और साथ में इसकी जो पांचवी दृष्टि है वो धन स्थान पे आपके पड़ने वाली है, तो धन स्थान पे जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको धन की पूरे साल कमी नहीं होने देगा। तो आइए हम समझते हैं कि ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, वो ऑलरेडी 5 नवंबर 2019 में हो चुका है, तो देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट देने वाले हैं। इसके अलावा शनि की बात करें तो शनि क्योंकि अपने घर में चले जाएंगे और आपका जो लगन है उसमें शनि देव को क्या मिला है, बड़े भाई बहनों का स्थान मिला है, इनकम का स्थान मिला है, और किसी भी प्लेनेट का एकादश में उपस्थित होना कभी भी कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं देता, उल्टा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। और स्वगृही हो जाए तो कारक को मारक को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वगृही होने पर उस घर से रिलेटेड वो निगेटिव फल नहीं देंगे, तो बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर रहेंगे और आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, और ये एक कांस्टेंट ग्रोथ वाला होगा क्योंकि शनि प्लैनेट धीरे धीरे चलता है और लॉन्गिविटी के लिए जाना जाता है, तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम का बढ़ना यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि इनकम 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट ग्रोथ लेता हुआ चलेगा। हालांकि कुछ लोगों को यहाँ पर कठिनाइयों का भी अनुभव करना पड़ सकता है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच के हैं और उसका नीच भंग नहीं हो रहा है, शनि नीच के हैं और उसका नीच भंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं, देखिए जनवरी में क्या होने वाला है। जनवरी में सबसे पहले 9 जनवरी की बात करते हैं, 9 जनवरी में शुक्र आपके लगन से कहां पर पहुंचेंगे, द्वादश में पहुंचने वाले हैं, और शुक्र को क्या डिपार्टमेंट मिला है इस लगन कुंडली में, शुक्र कभी भी नोट कर लीजिएगा, कभी भी मीन लगन की कुंडली में शुक्र अच्छा फल नहीं देता है। एक कंडीशन ऐसा होता है जिसमें शुक्र अच्छा फल देगा, अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन बन जाती है तो यहां पर शुक्र क्योंकि वैसे ही आपकी मेहनत बढ़ा देगा और फिजूल की मेहनत बढ़ा देगा, छोटे भाई बहनों से कलह उत्पन्न करा देगा, मान पद प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वैसे भी मेरा रिकमेंडेशन होता है जिनका लगन मीन है आप शुक्र से रिलेटेड चीजों का डोनेट कीजिए, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको शुक्रवार को डोनेट करना चाहिए, शुक्रवार की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए
आपके जो इष्ट देव है वो देव गुरु बृहस्पति है, और देव गुरु बृहस्पति की जितनी भी आप सेवा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कंडीशन बस एक ही है, आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में नीच के नहीं होने चाहिए, उसका नीच भंग हो जाना चाहिए। अगर उसका नीच भंग नहीं हो रहा है और नीच के हैं तो आपको बृहस्पति की पूजा नहीं, फिर दूसरा उपाय आपको उसका समझना चाहिए। तो फिलहाल हम देखते हैं जनवरी मंथ में शुक्र तो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है, लेकिन बुध जो है आपकी इनकम में चला जाएगा, और इनकम में जाने के साथ शुक्र स्थान का मालिक इनकम में चल जाए तो बुध का ट्रांजिशन अच्छा रहेगा। सूर्य का ट्रांजिशन जो आपके इनकम भाव में जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपके शिक्षा में विरोध उत्पन्न कर सकता है, विच्छेद उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इस लगन की कुंडली में देखिएगा तो दशम छठा घर आपका दिख रहा है, रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु का मालिक होकर इनकम में बैठ गया तो इनकम से रिलेटेड निगेटिव फल देगा। और सूर्य की दृष्टि आपके पंचम स्थान पे जा रही है तो आपके संतान से कष्ट, आपके उदर में विकार होना यानी पेट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और शिक्षा में रुकावट हो सकता है, प्रेम प्रसंग में ब्रेक लगने की संभावना हो सकती है। तो ये चीज, बहुत सारी चीज डिपेंड करता है आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या है, लेकिन गोचर में 50% तो ये करने ही वाला है। इसके अलावा आप देखिएगा यानी जनवरी मंथ आपका बहुत बढ़िया नहीं बीतने वाला है, लेकिन एक चीज कन्फर्म है कि ये पूरा साल, एक आध मन देखिए वैसे भी सभी के निगेटिव हो ही जाते हैं, ये पूरा साल आपके लिए लगभग लगभग बहुत अच्छा बीतने वाला है। और मैंने फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे बताऊंगा, हेल्थ मनी जॉब करियर स्टडी लव रोमांस ट्रैवलिंग और कुछ अलर्ट आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो अलर्ट सबसे पहला तो जनवरी में ही आपको याद रखना है, जनवरी में थोड़ा मिश्रित महीना बीतने वाला है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, इसलिए 24 जनवरी के बाद धीरे धीरे मीन लगन वालों का ठीक दिन शुरू होने लगेंगे, अच्छे दिन उनके जो है 24 जनवरी के बाद धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो मीन लगन है इसमें जनवरी का मंथ थोड़ा मिश्रित रहने वाला है, और इस ड्यूरेशन में इसका उपाय यही है कि आपको एक माला देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको करते रहना चाहिए, सुबह और शाम आपको एक माला जरूर करना चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में एंटर कर जाए। फरवरी मंथ देखते हैं, देखिए फरवरी मंथ में सूर्य आपके लिए अच्छी जगह प्लेस में पहुंच रहे हैं, 12th हाउस में सूर्य का बैठना और अपने घर में देखना तो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना को खत्म कर देगा, और जितने भी निगेटिव लोग हैं जो आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, एलिगेशंस लगा रहे थे, उनका दमन होने का भी समय ये फरवरी मंथ में आने वाला है। तो सूर्य का ट्रांजिशन अति शुभ होगा, और शुक्र क्योंकि 12th हाउस में चले जाएंगे और सूर्य के साथ थोड़ा सा अस्त भी रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर 12th हाउस में शुक्र और सूर्य की युति अच्छी मानी जाएगी। बुध भी लगभग 12th हाउस में पहुंच जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपके भूमि वाहन मकान के लिए, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा, इसलिए भूमि वाहन मकान में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी मंथ के बाद कीजिएगा, उसके बाद ही आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको रिस्क लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, भूमि वाहन मकान का जो इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर फरवरी मंथ कंपेरेटिवली जनवरी से अच्छा बीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फिर मार्च की बात करते हैं, मार्च में क्या होने वाला है, मार्च में एक तो सूर्य आपके लगन में आ जाएंगे, तो सूर्य को वैसे भी मैं सजेशन देता हूं कि जिनका भी लगन मीन है ऐसे जातक को क्या चाहिए, ऐसे जातक को रिक्वायर्ड है कि सूर्य को जल अर्पित करते रहें और सूर्य देव से रिक्वेस्ट करते रहें, प्रार्थना करते रहें कि उनके रोग ऋण शत्रु को खत्म करें, क्योंकि देखिए जनरली छठे घर का मालिक अगर लगन में आ जाता है तो वैसे इसका मीनिंग क्या, सिंपल लैंग्वेज में छठवा घर रोग ग्रिड सारे निगेटिव एनर्जी का होता है, उसका मालिक आपके बॉडी में आ जाए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ों पे अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जल जरूर चढ़ाइएगा और कम से कम
आपको, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपको बहुत कम अच्छे जगह पर रिजल्ट देगा, क्योंकि छठवें घर का मालिक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि पूरे साल, वैसे भी जब तक जिंदगी है, आपको सूर्य को जल चढ़ाते ही रहना चाहिए, ये निगेटिव एनर्जी यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब सूर्य का ट्रांजिशन तो अच्छा नहीं है, लेकिन मार्च में जो बुध रहेंगे, आपके लगन और सेकंड हाउस दोनों के लगभग लगभग बीच में इनका ट्रांजिशन होगा। कुछ टाइम लगन में रहेंगे और कुछ टाइम जो रहने वाले हैं वो लगन में रहेंगे, और कुछ 11th हाउस में, 12th हाउस में रहने वाले हैं। तो इसके बीच में बुधदेव रहेंगे और मार्च में शुक्रदेव अपने घर में चले जाएंगे। शुक्र का अपने घर में जाना है, भले ही मारक प्लैनेट है, लेकिन अपने घर में कोई भी निगेटिव प्लैनेट कोई भी निगेटिविटी नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट सामने आने वाला है, और यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, सुदूर यात्राएं हो सकती हैं, और यात्राएं सफलता पूर्वक किसी काम के उद्देश्य के लिए होगी और उसको पूर्ण करेंगे। बहुत दिनों से जो आपने कोई बिजनेस सोच रखा होगा, उसके फलीभूत होने का टाइम मार्च मंथ में ही आने वाला है। अप्रैल की बात करते हैं। देखिए, अप्रैल में सूर्य आपके धन स्थान पे उच्च के हो जाएंगे, रोग स्थान का मालिक होगा, उच्च के हो जाए तो वाणी उग्र हो जाएगी, किसी से आप सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे तो उसके दिल को बुरा लग सकता है, और इस कारण से मन मुटाव होने की संभावना हो सकती है। फिर पुनः वही रिक्वेस्ट है, सूर्य को आप यहाँ पर जल चढ़ाइए। साथ में यहाँ पे अप्रैल मंथ में बुध भी साथ में रहेंगे, और अप्रैल मंथ में शुक्र क्योंकि मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ा ही रहे हैं, और लगभग मार्च की अप्रैल में जो आपका मंगल है, मंगल की पोजीशन मार्च में एकादश स्थान पे, मई मार्च अप्रैल मई ये द्वादश स्थान पे रहेंगे। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ पोजीशन ठीक है, कोई निगेटिव पोजीशन मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो मार्च का मंथ भी आपके लिए अच्छा होने वाला है। और जनवरी मंथ थोड़ा सा एवरेज रहेगा, फेब्रुअरी थोड़ा सा अच्छा, मार्च उससे अच्छा, अप्रैल उससे अच्छा, आप ऐसा समझिए एसेंडिंग ऑर्डर में चीजें बढ़ती जाएंगी। और मई जून और जुलाई 3 मंथ की बात एक साथ करते हैं। मई में आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, छोटे भाई बहनों से हालांकि विवाद होने की संभावना जरूर रहेगी, और सुख स्थान का स्वामी पराक्रम में चला जाए तो मेहनत भी कराएगा, और कुछ ही दिनों में मई में अपने घर में आ जाएगा। तो स्वगृह होने पर, हालांकि देखिए इस लगन की कुंडली में बुध को केंद्र अधिपति दोष लगता है, लेकिन फिर भी ये आपको अच्छा फल यहाँ पर देगा, और अच्छा फल देने के कारण आपके भूमि वाहन मकान से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट ये देना स्टार्ट कर देगा, और जो आपके लिए अति लाभप्रद रहेगा। और मई में ही अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मई में जो मंगल प्लैनेट है, जो आपके लिए धन का मालिक 12th हाउस में चला जाएगा, तो परिवार से दूर कर देगा आपको, परिवार से आपकी दूरी बढ़ जाएगी, विदेश में जाने के योग बन जाएंगे, और साथ में जो एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जा रहा है, और नवम भाग्य से आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे, और इस समय मंगल का द्वादश में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश की यात्रा करते हैं या आप ट्रैवलिंग करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा इंडिकेशन रहेगा। तो आपको चाहिए कि इस ड्यूरेशन में अगर आपको ऑफर मिलता है, क्योंकि स्थान परिवर्तन के योग भी मई जून के आसपास बन रहे हैं, और आपको निश्चित रूप से स्थान परिवर्तन करना चाहिए। और इस साल जॉब से रिलेटेड कोई निगेटिव प्रॉब्लम जनरली गोचर में तो नहीं है, हाँ लगन कुंडली में अगर होगा तो वहां पर प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, क्योंकि जो राशिफल होता है वो ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग होता है, ना कि आपकी लगन कुंडली। लेकिन जो मेरा मोबाइल ऐप आने वाला है, उस मोबाइल ऐप में एक ऐसी सुविधा मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मेरे अपने क्लाइंट्स होंगे उनका राशिफल अकॉर्डिंग गोचर और उन दोनों को कंबाइंड करके अपलोड होगा, उसको मैं लॉन्च किया हूँ, एक नया फीचर है, जल्दी मोबाइल ऐप आने वाला है। और क्योंकि कुंडली एक्सपर्ट का एक पूरा साल ये होने वाला है चैनल का, इसलिए आपका
यहाँ पर मैंने दो सूचनाएं स्टार्टिंग में हर राशिफल में भी बताया, आपको भी बता दे रहा हूँ कि मीन लगन वाले भी सुन लें कि पहला तो दैनिक राशिफल कुछ ही दिन में चालू हो जाएगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा जिसमें 30-35 सेकंड के एक राशि का अप्रॉक्स 30-35 किसी का 1 मिनट भी हो सकता है, लगभग 5 से 7 मिनट का एक दैनिक राशिफल होगा जिसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी ट्रांजिशन में। और दूसरा जो मोबाइल ऐप आ रहा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मोबाइल ऐप रहेगा, वो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में तहलका रहेगा। और उस मोबाइल ऐप को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स, मेरा पूरा 12 साल का मेहनत उसमें लगा हुआ है और बहुत मेहनत करके, क्योंकि जब चुनाव के दिन चल रहे थे, आप मेरे वीडियोस देख रहे थे, उस समय भी मैंने बोला था कि एक नई क्रांति लानी है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, तो मैंने उस वचन को निभाते हुए एक मोबाइल ऐप यहाँ पर ला रहा हूँ जिसको समझना बेहद ही आसान होगा और एक्यूरेसी भी उसके अंदर ज़्यादा रहेगी कैलकुलेट करने पर। तो वो मोबाइल ऐप कुछ ही दिनों में जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास ये रिलीज्ड हो जाएगा, उसमें पेड और फ्री दोनों वर्जन अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पर मई, जून और जुलाई, ये तीनों मंथ अच्छा रहेगा। थोड़ा सा विशेष रूप से जुलाई में गर्भवती महिलाओं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्भ में रोग स्थान का मालिक जा रहा है, और वैसे भी सभी लोगों को जिनका लगन मीन है, अगर रोग स्थान का स्वामी पेट में चल जा रहा है, मस्तिष्क में जा रहा है, तो माइंड जल्दी गर्म हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लगभग जुलाई के बाद आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप देखिए टाइमिंग बढ़ता रहा है, जनवरी से अच्छा फरवरी, फरवरी से अच्छा मार्च, मार्च से अच्छा अप्रैल, इस तरीके से चलेगा, लेकिन पुनः जो जुलाई का मंथ होगा वो बहुत अच्छा शिक्षा के लिए भी नहीं है, बहुत अच्छा प्रेम प्रसंग के लिए भी नहीं है, और स्टमक से रोग का स्वामी जब स्टमक में जाएगा, माइंड में जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट करने वाला है। इसके अलावा जब रोग में, रोग का स्वामी खुद रोग में जाएगा तो अपने घर में यहाँ पे शत्रुओं को खत्म कर देगा, रोग ग्रहण शत्रु को यहाँ पूर्ण रूप से खत्म करेगा। केवल देखिए एक प्लेनेट के गोचर से नहीं होगा, मैं जो बता रहा हूँ केवल ऐसा मत समझिएगा छठे घर में जाने से ऐसा हो जा रहा है, बाकी प्लेनेट के भी डेट मैंने लिखे हुए हैं। अगस्त में सूर्य भी, बुध भी, और बुध, बुध तो ऑलरेडी 2 अगस्त और 17 अगस्त दोनों ही ट्रांजिशन करेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मंगल है, मंगल जो है 18 जून को लगन में, 16 अगस्त को द्वादश में, और ये भाग्य का मालिक जब धन में जाएगा तो आपको अगस्त का महीना बहुत अच्छा कर देगा, लेकिन ये वक्री हो जाएगा और वक्री होने के बाद 4 अक्टूबर तक ये पीछे जाएगा, लेकिन लगन में रहेगा। देखिए भाग्य का मालिक लगन में हो, भाग्य का मालिक आपके द्वितीय स्थान पे हो, ये दोनों अच्छा फल देंगे, तो धन के मामले में कोई प्रॉब्लम विशेष रूप से दिखाई दे अगस्त सितंबर, अगस्त में जुलाई में ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इनफैक्ट देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव ये दोनों ही आपके लिए अति योग कारक प्लैनेट होते हैं, आपको अच्छा फल यहाँ पर देंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर आपको अच्छा फल मिलना है। जुलाई का, अगस्त का महीना ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा बीतने वाला है, चाहे रोग ऋण शत्रु की बात किया जाए या धन की बात किया जाए, सब जगह आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद अगस्त के बाद सितंबर की बात करते हैं। देखिए सितंबर में राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होना है, राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है अब आपके लिए क्या होगा, क्योंकि 1.5 साल तक राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु इस समय आपके सुख स्थान पे थे, लेकिन इसका राशि परिवर्तन होकर ये वृष में चले जाएंगे, लेकिन वहां पर भी ये उच्च के रहेंगे। कुछ लोग राहु को मिथुन में उच्च का मानते हैं, कुछ लोग वृष में उच्च का मानते हैं, मैं दोनों में ही उसको उच्च का काउंट करता हूँ। तो राहु का तृतीय स्थान पे बैठना मेहनत बहुत कराएगा और सडन आपका नेम फेम बढ़ेगा, ये बात तय है, नेम फेम बढ़ेगा लेकिन मेहनत भी साथ में बढ़ेगा। लेकिन केतु का अष्टम नवम स्थान पे बैठना ये अत्यंत शुभ तो नहीं रहेगा, लेकिन बहुत नेगेटिव भी यहाँ पर देने वाला नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने घर में रहेंगे तो भी केतु कुछ यहाँ पर बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए ओवरऑल सितंबर के बाद से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सारे टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। तो ओवरऑल आप अपनी कुंडली को ऐसे समझ सकते हैं कि धन यहाँ पर हेल्थ
मनी, जॉब, करियर, स्टडी, लव रोमांस, ट्रैवलिंग के लिए कितने पॉइंट्स परसेंटेज वाइज, इसको डिजिटल फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हैं कि हेल्थ आपका 70% यहाँ पर सही होगा, मतलब 10 में 7 महीने आपके अच्छे रहेंगे, 3 मंथ थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं, लेकिन वो भी मेजर रोग हो ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हालांकि पारिवारिक जीवन में राहु थोड़ा सा प्रॉब्लम मचाएगा सितंबर में, क्योंकि यहाँ पर बैठ के यहाँ पे इसकी दृष्टि जब पड़ेगी वो एक निगेटिव होगा, साथ में यहाँ पे बैठ के एकादश भाव को जब ये देखेगा तो भी वहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, बड़े भाई बहनों से विवाद की भी कंडीशन कर सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का एंटी प्लैनेट है, लेकिन नेम फेम में जा रहा है तो ये नेम फेम डेवलप करेगा, क्योंकि राहु सडन लाभ के लिए जाना जाता है, अकस्मात कोई भी चीजों के लिए राहु जाना जाता है, हालांकि छोटे भाई बहनों से रिलेशन खराब भी कर सकता है। ओवरऑल धन के मामले में इस साल बहुत निगेटिविटी नहीं है, 80% धन के लिए मैंने दिया हुआ है, यानी हर 10 में 8 महीना आपका अच्छा धन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉब के लिए 70%, करियर के लिए 90%, पढ़ाई के लिए 80%, लव रोमांस के लिए 80%, और इस बार ट्रैवलिंग के लिए 70% यहाँ पर मैंने दिया हुआ है वैल्यू। तो ये था पूरा मीन लगन वालों का कैसा बीतेगा। थोड़ा सा मैं सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक बार बता देता हूँ। अक्टूबर में जो सूर्य होंगे वो अष्टम में जाएंगे, एक छठवें का मालिक आठवें में चला गया और लग्नेश बहुत अच्छे जगह पर है, तो विपरीत राजयोग की कंडीशन बनेगी, तो इसलिए सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा, और यहाँ पर सूर्य क्योंकि धन स्थान पर जा रहा है, वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो अक्टूबर का मंथ भी काफी अच्छा रहेगा। बाकी सारे प्लेनेट में आपको गुरु और शनि को ज्यादा महत्व देना है, गुरु, शनि, राहु और केतु, देखिए पूरे साल को निर्धारित करने में गुरु, शनि, राहु, केतु का ज्यादा महत्व रहता है, क्योंकि ये बड़े प्लेनेट है और साथ में इनका जो स्टेबिलिटी होती है ज्यादा लंबे टाइम तक का होता है। उसके बाद आपका मंगल आता है, फिर शुक्र और बुध लगभग एक एक मंथ पे इनका ट्रांजिशन हो जाता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देवगुरु बृहस्पति अपने घर में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फल देंगे, और लास्ट में नवंबर दिसंबर में भाग्य का साथ मिलने वाला है, बहुत सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, तो ये साल आपका अत्यंत अच्छा बीतने वाला है। कंपेरेटिवली कर लीजिए, और ये मेरी भविष्यवाणी है मीन लगन वाले जातकों के लिए कि 2019 से तो कतई अगर आप कंपेयर कर लीजिएगा तो उसके रिलेटिव में, 2019 के रिलेटेड में ये बहुत अच्छा साल जाएगा। 2019 से अगर आप कंपैरिजन करेंगे यू विल फाइंड दैट द टाइम इज बेटर एज कंपेयर टू 2019। तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एंसना, ओम नमः शिवाय।